बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस तरीके से अपने सेटअप को मैं सेट करूं, किस तरीके से मैं वीडियो बनाऊं या फिर घर के किस कोने के अंदर सेटअप लगाऊं, और एक बिल्कुल सस्ता सा सेटअप बनाने के लिए मुझे क्या क्या गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मैं और आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ कि सस्ते के अंदर सेटअप कैसे बनाना है। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सिंपल है, ना कोई प्रोफेशनल सेटअप है, तो बिल्कुल सिंपल सेटअप मैंने कैसे बना रखा है आप लोगों को बिहाइंड द सीन बताता हूँ कि इसके पीछे यहाँ पर क्या क्या मिस लगा रखी है। लेकिन आप लोगों को बताता हूँ अभी सेटअप के अंदर कुछ कुछ कमियां है। मैं एक प्लांट यहाँ पर मंगाने वाला हूँ बड़ा सा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर जो प्लास्टिक का प्लांट होने वाला है तो उसको मैं लगूंगा, दिखेगा पूरा रियल, उसको मैं इस साइड में खड़ा कर दूंगा तो रौनक आ जाएगी, चार चांद लग जाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी लाइटिंग कर देंगे तो बढ़िया लग जाएगा। पीछे की वॉल के ऊपर एक सिल्वर प्ले बटन आ जाए तो और मजा आ जाएगा, और कुछ डेकोरेशन की एक दो फ्रेम और लगा देंगे तो वैसा भी बन जाएगा पूरी तरीके से फुल यहाँ पर जो है मस्त वाला सेटअप। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम भी यार एक बड़ा सेटअप नहीं बनाना चाहते हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई घर के अंदर एक छोटा सा 5x4 का ही सेटअप यहाँ पर किसी कोने के अंदर बना लेना तो भाई मजा आ जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन में इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि भाई मैंने अपने सेटअप को किस तरीके से तैयार कर रखा है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं अपनी वीडियो को कहाँ पर शूट करता हूँ और कैसे यहाँ पर जो है शूट करता हूँ। तो ये हमारे सेटअप का यहाँ पर जो है गेट, इसके अंदर से हम यहाँ पर एंटर होंगे और सामने की साइड में अब चलने वाले हैं। तो गेट को जो कर देते हैं फिर से यहाँ पर क्लोज, तो अच्छे से यहाँ पर कर दिया है बंद। तो अब जो है मैं आ चुका हूँ सेटअप के अंदर, अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई साहब इस साइड के अंदर एक वॉल है जिसके ऊपर पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पर कलर हुआ करता था, तो मैंने कलर चेंज करके इस तरीके से कर दिया। यहाँ पर ग्रे कलर होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये कलर मेरे पास में पहले से रखा होता था, मैंने कहा इसका थोड़े दिन यूज कर लेते हैं, बाद में ग्रे कलर अपन अलग से ला करके वो भी कर देंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो के अंदर हमारे को चाहिए एक अच्छी सी लाइटिंग जो लोगों को काफी मजा दिला दे, तो मेरे पास में यहाँ पर रखी हुई एक RGB लाइट। तो ये लाइट आप लोग देख लो, अलग अलग कलर जो है इस लाइट के अंदर से आने वाले। आप चाहो मेरे को रेड कलर चाहिए तो रेड भी मिल जाएगा, आप कहो कि मेरे को सिर्फ ब्लू लगाना तो ब्लू लग जाएगा, और आप कहो कि पर्पल सेकंड के अंदर कलर चेंज करे तो इस तरीके से कलर भी चेंज करती रहेगी। अब दोस्तों इसके बाद में हम बैठते हैं इस चेयर के ऊपर, तो चेयर के ऊपर हमारे को क्या चाहिए भाई साहब, एक रिंग चाहिए जो हमारे फेस के ऊपर बराबर यहाँ पर जो लाइटिंग देती रही एकदम सॉफ्ट लाइटिंग नेचुरल, जैसे कि हम धूप में खड़ा होते हैं उस तरीके से। तो भाई साहब ये रिंग लाइट मेरे पास में है Digitech की, और बिल्कुल सस्ते सुंदर तरीके से इसको मैंने मंगा रखा है, और 12 से 13 इंच की ये है, एक छोटी सी प्यारी सी, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इस चेयर के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ और यहाँ से आ जाती है लाइटिंग। अब देख रहे हो चेयर के ऊपर ये क्या रखा हो, तो भाई साहब इसको आप सभी जिन्हें यूट्यूब पे काम करते हो तो पता ही है क्रोमा की, इसको लगा करके हम अपने पीछे कोई सा भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो जब भी मेरे को यूज करना होता है ये भाई साहब एंगल लगी हुई हमारे पास में, इसके ऊपर मैं टांग देता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। इसी तरीके से भाई साहब ये है हमारे पास में ब्लैक स्क्रीन, इसको मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर थोड़ा सा लेकर के कि भाई कैसे यहाँ पर जो बैकग्राउंड फेंकती है, ये काफी शानदार है, आप लोगों ने देखी होगी। तो भाई साहब इस तरह का एक बालकनी का गेट, ये रिंग लाइट मैंने आपको बता दी है। अब भाई साहब ये है जो रिमोट, इस रिमोट से हम क्या है लाइट को सेट कर सकते हैं किसी एक ही कलर के ऊपर, जैसे कि सिर्फ ब्लू कलर सेट करते थे तो ब्लू के ऊपर यहाँ पर ठहर गई, ब्लू कलर यहाँ पर देने लग गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ वीडियो बनाने के लिए हमारे को चाहिए एक ट्राईपॉड, तो भाई साहब मेरे पास में ये रखा ट्राईपॉड, तो ट्राईपॉड देख लो ये मेरे पास में ट्राईपॉड, अच्छी खासी इसकी हाइट है और यहाँ पर बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे टेबल के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारी वीडियो शूट होती है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ, यहाँ पर लगी रिंग लाइट, यहाँ से आता है हमारे थोड़ा सा प्रकाश अलग अलग कलर के अंदर लाइटिंग, तो काफ़ी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। और भाई साहब ये एक ऐसा ट्राईपॉड है हर यूट्यूबर के लिए बिगिनर रिंग रहा हुआ है, तो इसको काफी सारे लोग यूज करते हैं। कब मेरे को एक बिहाइंड द सीन शूट भी लेना होता है तो मैं एक यहाँ पर लगा देता हूँ, एक कैमरा में यहाँ पर लगा देता हूँ, तो काफी अच्छा यहाँ पर मेरे लिए शूट हो जाता है। तो इसको हर एक यूट्यूबर ने यूज किया होगा अपनी लाइफ के अंदर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। और भाई साहब ये मैंने रिंग लाइट का प्लग यहाँ पर लगाया हुआ है, तो भाई साहब ये कोने के अंदर से आप लोग अब ओवरऑल पूरे सेटअप को यहाँ पर देख लो। तो ये सेटअप बिल्कुल नॉर्मल सा है, एक अच्छा खासा टेबल आपके पास में तो सिंपल सा टेबल लगा दो जिसके अंदर छोटी सी दराज वगैरह आपको मिल जाएगी। एक प्रोफेशनल ट्राईपॉड चाहिए, एक प्रोफेशनल रिंग लाइट चाहिए और प्रोफेशनल RGB लाइट चाहिए। तो ये बिल्कुल सस्ते से सस्ता है, ये ट्राईपॉड आप लोगों को बिल्कुल सस्ते के अंदर मिल जाएगा 500 से 600 रुपए के अंदर, यह आपको 150 से 180 रुपए के अंदर मिल जाएगा दुकान वगैरह से परचेस करोगे। रिंग लाइट बहुत ही ज्यादा सस्ती है, आप लोगों को Digitech की मिल जाएगी 800 से 900 रुपए इंक्लूड दिवाली ऑफर्स के अंदर, और RGB लाइट आप लोगों को मिल जाएगी 80 से 100 रुपए के अंदर अंदर दुकान से मैंने इसको परचेस करी है।
बाकी चेयर और टेबल आपको मिल जाएंगे। और ये है कुछ बैकग्राउंड्स जिनको वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर आप मेरी वीडियो पिछले कुछ आप क्लिक करके देखना तो मेरी वीडियो के अंदर यहाँ पर जो ब्लैक पर्दा मैंने यूज किया हुआ है। तो बस इतना सा सिंपल और इस तरीके से आपका यहाँ पर एक प्रोफेशनल यूट्यूब का सेटअप यहाँ पर शुरू हो जाएगा और वीडियोज वगैरह आप लोग एकदम अच्छे से यहाँ पर जो है क्रिएट कर पाओगे। तो वैसे आप इसको बोलते हैं एक प्रोफेशनल यूट्यूब सेटअप जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो काफी सारे बिगिनर यूट्यूबर पूछते रहते हैं कि भाई सेटअप बताओ कि भाई कैसा है, क्या है, सेटअप कैसे सेट करें। तो वैसा उनके लिए मैंने वीडियो बनी खास तरीके से। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई मेरा सेटअप आप लोगों को कैसा लगा है।